सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिकल आजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के B23 फोन के वॉल्यूम स्टाइल चेंज करने के बारे में। हाँ, तो अगर आपके पास वीवो का B23 फोन है, आप चाहते हो अपने फोन में iOS का वॉल्यूम स्टाइल को चेंज करना फाइनली अपने वीवो के B23 फोन में, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास वीवो का B23 फोन है, आप चाहते हो किसी भी ब्रांड का वॉल्यूम स्टाइल को अपने फोन में चेंज करना, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरे फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों हम बात करने वाले हैं वीवो के B23 फोन के वॉल्यूम स्टाइल चेंज करने के बारे में। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर और आप लोग को चल के बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं वीवो के B23 फोन के वॉल्यूम स्टाइल चेंज करने के बारे में। अगर आपके पास वीवो का B23 फोन है, आप चाहते हो अपने फोन में iOS का चाहे कोई भी ब्रांड का वॉल्यूम स्टाइल हो उसे चेंज करना, जो कि ये वाला वॉल्यूम स्टाइल आपके फोन में मिल जाता है, इसे आप चेंज करना चाहते हो तो इसे आप चेंज कर पाओगे इजिली। आप कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास वीवो का B23 फोन है, इसी फोन में मैं आप लोग को करके दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोग को एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, उस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज आपको प्ले स्टोर में सर्च कर लेना, प्ले स्टोर में आपको सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। तो यहां पे आपको प्ले स्टोर में दिखा देता हूं कैसे आपको डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में आना, उसके बाद आपको सर्च बार पे क्लिक करना, उसके बाद आपको यहां पे लिखना है वॉल्यूम स्टाइल। वॉल्यूम स्टाइल जैसे लिखोगे तो ये वाला एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, इसे आपको डाउनलोड पे लगा देना है, जो कि ये वॉल्यूम स्टाइल का नाम है यहां पे वॉल्यूम स्टाइल्स कस्टम कंट्रोल, इसे आपको डाउनलोड पे लगा देना अपने फोन में। इसका डाउनलोडिंग रेटिंग है 10 मिलियन, इसका डाउनलोडिंग है अच्छी खासी रेटिंग है, तो एप्लीकेशन अच्छे से वर्क करती है। तो फाइनली ये एप्लीकेशन आपको 4 MB 46 KB का देखने को मिल जाता है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। अभी मेरे फोन में डाउनलोड हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो ये डाउनलोड होने के बाद मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे यूज करना है। तो फाइनली दोस्तों ये फोन में हमारे डाउनलोड हो चुका है एंड इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो दोस्तों ये ओपन का ऑप्शन आ चुका है, ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पे आपको क्या करना है, स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, स्टार्ट पे जैसे क्लिक करोगे यहां पे आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर लेकर जाएगा। एक्सेसिबिलिटी के अंदर ऑन करने के बाद आपको यहां से इसे ऑन करना, उसके बाद आपको अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको ये वाला ऑन करोगे तो आपका यहां पर वॉल्यूम यूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आप वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये वाला वॉल्यूम है तो इसे हम चेंज करके आपको दिखाते हैं। हमारे फोन में इस तरीके का चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो इस तरीके का हमारे फोन में वॉल्यूम चेंज हो चुका है। अदरवाइज आप यहां पे iOS का वॉल्यूम लगाना चाहते हो तो यहां पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ये वॉल्यूम आपको iOS का देखने को मिल जाता है। यहां पे आपको देख सकते हैं iOS का वॉल्यूम हमारे फोन में चेंज हो चुका है, इस तरीके से काम कर जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया दोस्तों वॉल्यूम मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ब्रांड का वॉल्यूम को अपने वीवो के B23 फोन में चेंज करके यूज कर सकते हो इजिली, आपको मिल जाते हैं सैमसंग का चाहे कोई भी कंपनी का। यहां पर आपको सैमसंग का मिल जाता है और सैमसंग का आपको दिखाता हूं, तो कुछ इस तरीके का हमें मिल जाता है। सैमसंग के अंदर आपको एक ही वॉल्यूम यहां पे मिलते हैं और यहां पे आपको पूरे चेंज इस तरीके से मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहां पे किसी भी ब्रांड का वॉल्यूम को अपने वीवो के B23 फोन में चेंज कर पाओगे। यहां पे आपको दिखा देता हूं वॉल्यूम, तो यहां पे आपको वॉल्यूम की बात करें तो अगर आपको इस स्टाइल का वॉल्यूम चाहिए तो यहां पे आप इस स्टाइल का भी वॉल्यूम चेंज कर पाओगे अपने फोन में। यहां पे आप देख सकते हो इस स्टाइल का भी वॉल्यूम हमें मिल जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहां पे अगर आपको और भी वॉल्यूम चाहिए तो यहां पे आपको मिल जाते हैं बहुत सारे वॉल्यूम। अगर आपको यहीं पे चाहिए ये वाला वॉल्यूम तो आपको मिल जाते हैं, जो कि सैमसंग का। यहां पे आपको दिखा देता हूं सैमसंग का बहुत सारे वॉल्यूम इसके अंदर मिल जाते हैं। तो आप यहां पे इजीली सेटिंग करके चेंज कर पाओगे। इसके अंदर आपको कलर भी मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है, कलर भी मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर आपको सेटिंग मिल जाते हैं मैनेज करने के लिए, सेटिंग भी मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑटोमेटिक सेटिंग मिल जाते हैं, तो आप मैनेज करके अपने वीवो के B23 फोन में यूज कर सकते हो एंड iOS का वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो। तो फाइनली मैंने आप लोग को इस वीडियो में पूरे फुल डिटेल में बता दिया हूँ वॉल्यूम चेंज करने के बारे में, जो कि वॉल्यूम स्टाइल किसी भी ब्रांड का आप वीवो के B23 फोन में चेंज कर सकते हो। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज भी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।